गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक तार जो 28 मीटर लंबा है को दो टुकड़ों में काटा जाता है, एक टुकड़े से एक वृत्त बनाया जाता है तथा दूसरे से वर्ग। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां क्या होगी यदि वृत्त व वर्ग की संयुक्त क्षेत्रफल निम्निष्ट है। देखते हैं, एक तार जो 28 मीटर लंबा है, ये एक तार है, ये जो है 28 मीटर लंबा है, फिर बोल रहा है को दो टुकड़ों में काटा जाता है। इसको दो टुकड़ों में काट देते हैं, ये हो गया, यहां से काट के दो टुकड़ों में, एक टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है, एक टुकड़े से वृत्त बना लेते हैं, इसको बैंड कर देते हैं और एक वृत्त बना लेते हैं ऐसा, तथा दूसरे से वर्ग, इसको ऐसे वर्ग बना लेते हैं, इस प्रकार से वर्ग बना दिया गया, ये वर्ग है और ये वृत्त। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसका भुजा x है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, चारों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, ये 4x हो जाएगा। माना वर्ग की भुजा x तथा वृत्त की त्रिज्या आर है, तब छह वृत्त की त्रिज्या को आर ले लेते हैं, छह इसको मोड़ दिए हैं और एक वृत्त बना दिए हैं, तो यहां से यहां की लेंथ क्या आ जाएगी, 2πr आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, इसका परिमाप होता है ना, वृत्त का सर्कमफेरेंस होता है परिमाप, ये कितना आता है 2πr, यहां से यहां की लेंथ हो जाएगी 2πr। इस बात का मतलब ये है कि 4x प्लस क्या 2πr, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28 मीटर। फिर देखते हैं, एक तो एक टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है, दूसरे से वर्ग। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां क्या होगी, अच्छा इस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी और यहां से यहां की लंबाई क्या होगी, यह हमको ज्ञात करना है। यहां से यहां की लंबाई और यहां से यहां की लंबाई, ये 4x है तो यहां से यहां की लंबाई हो जाएगी, और 28 माइनस हो जाएगी 4x, ये लंबाई हमको ज्ञात कर देगी। चाहो तो r का वैल्यू पुट करके, 2π का वैल्यू पुट करके भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 4x प्लस 2πr इज इक्वल टू 28 मीटर। यहां से r का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों टुकड़ों की लंबाइयां क्या होगी यदि वृत्त व वर्ग की संयुक्त क्षेत्रफल निम्निष्ट है। यहां से r का मान ज्ञात कर लीजिए, यह आ जाएगा 28 4x by 2π, ये r का वैल्यू हो गया। अब देखते हैं यदि वृत्त व वर्ग की संयुक्त क्षेत्रफल निम्निष्ट है, माना y वृत्त व वर्ग की संयुक्त क्षेत्रफल है, तब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों को क्या करना है, संयुक्त करना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है x वर्ग प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं y बराबर, या तो फिर मान लेते हैं एफ एक्स बराबर। दोनों का क्षेत्रफल का संयुक्त क्या होना चाहिए, निम्नतम है, तो ये हो जाएगा, एक बार अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए, fx का अवकलन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। अच्छा पाई आर स्क्वायर है, r का वैल्यू पहले पुट करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले r का वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से, फिर अवकलन कीजिए। ये x स्क्वायर प्लस पाई r का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, 28 माइनस 4x और डिवाइड बाई 2π, और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस पाई, सेपरेट कर लीजिए स्क्वायर को,
28 माइनस 4x का होल स्क्वायर और अपान 2 पाई का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पाई और ये आ जाएगा 28 माइनस 4x का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? एफ एक्स का वैल्यू है। एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई 28 माइनस 4x का होल स्क्वायर। अब अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ एक्स का अवकलन एफ डेस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। अच्छा 28 माइनस 4x स्क्वायर है, पहले स्क्वायर का कर लीजिए अवकलन, 2 हो जाएगा, यह आ जाएगा 28 माइनस 4x n, ये x हो गया, फिर n माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 ही आ जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर इसका अवकलन होगा 28 माइनस 4x का, तो 28 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 कांस्टेंट है आउट हो जाएगा और x का तो 1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x, माइनस साइन लगा लेंगे, यहाँ क्या बच गया 2 और इधर क्या बच गया 5 और यहाँ है 28 माइनस 4x, ये हो गया f डेस x का वैल्यू। अच्छा एक बार फिर से अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए f डबल डैश x हो जाएगा, f x का अवकलन करेंगे तो f डबल डैश x 2x का हो जाएगा 2 बाई पाई, ये कांस्टेंट है, 28 माइनस 4x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ माइनस 4 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा माइनस 4 ध्यान से देखिए, 28 का 0 आ जाएगा, फिर माइनस 4 कांस्टेंट है, x का आ जाएगा 1, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये 2 माइनस 2 पाई और यहाँ आ जाएगा माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 चार दूनी 8 बाई 5, ये आ गया f डबल डेस x का वैल्यू। जब भी f डबल डेस x का वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये सारे क्वांटिटी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब भी पॉजिटिव होगा, होता है जब भी डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू, तो वैल्यू जो है वो क्या होता है? निम्निष्ठ होता है, अतः निम्निष्ठ मान होगा। अच्छा निम्निष्ठ मान होगा तो फिर कौन सा मान होगा निम्निष्ठ? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? निम्निष्ठ मान के लिए निम्निष्ठ मान के लिए f डैश x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ता है? 0, जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके वैल्यू 0 के बराबर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 पाई और 28 माइनस 4x इज इक्वल टू क्या रख देंगे? 0, इसका वैल्यू को किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2 पाई 28 माइनस 4x, 2 से 2 कैंसिल, पाई को उधर ले आ जाइए, पाई और ये x हो गया, यहाँ जाएगा 28 माइनस 4x, पाई x 4x को इधर ले आइए प्लस 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 28, इन दोनों से x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जाएगा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 28, तो x का मान आ गया 28 बाई पाई प्लस 4। हमको किसका वैल्यू चाहिए? 4x का मान चाहिए, तो इधर 4 से इंटू करेंगे तो इधर भी 4 से इंटू करेंगे, 4x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 28 इंटू 4 और पाई प्लस 4
प्लस फोर, यही मान हमको ज्ञात करना था। इसके अलावा और एक मान ज्ञात करना था, इस टुकड़े का मान 4x, इस टुकड़े का मान 28 माइनस 4x, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। 28 माइनस 4x का वैल्यू कितना है, 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, कर लीजिए आ जाएगा पाई प्लस 4, दिया जाएगा 28 पाई प्लस 4 माइनस 112, इसका इंटीग्रल कर लीजिए 28 पाई, इसका इंटीग्रल कर लीजिए 11 यहाँ पर आ जाएगा फाइनल आंसर 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।